हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड। ठीक है, हमने पहले भी वर्ल्ड पॉइंट का है, वर्ल्ड का अलग अलग विधि पढ़े, बुलेट ट्रेन विधि है ना। ठीक है, और भी विधियां हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वर्ग या वर्ग मूल्य निकालने की और भी विधि। ठीक है, आगे का ठीक देखते हैं। वर्ग मूल्य निकालने का हमने पहले भी बुलेट ट्रेन में भाग नहीं पढ़ लिया था, अब एक शॉर्टकट विधि बताता हूँ आपको। ठीक है, क्या है उसका प्रोसेस। पहले ये याद रखना पड़ेगा, एक पेज पर, दो पेज पर, तीन पेज पर, चार पेज पर। ठीक है, सब पेज पर क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा। एक पेज पर एक, दो पेज पर चार, ठीक है, तीन पेज पर नौ, चार पेज पर सोलह, ठीक है, पांच पेज पर पच्चीस, छह पेज पर छत्तीस, ठीक है, सात पेज पर उनचास और आठ पेज पर चौसठ, नौ पेज पर इक्यासी। ठीक है, हो गया। अब ये है इसका स्क्वायर है ना। ठीक है, अब इसका इकाई है, इसका क्या है, इसका इकाई है चार, इसका नौ, इसका छह, चार का इकाई है छह। ठीक है, फिर पांच का इकाई है पांच, छह का इकाई है छह, सात का इकाई है नौ, आठ का इकाई है चार और नौ का इकाई है एक। ठीक है, हो गया। अब सबका इकाई हम देख लीजिए, एक और नौ का समान है, ठीक है, दो और आठ का समान है, तीन और सात का समान है, चार और छह का इकाई है समान है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, दस पीस में सौ, बीस पीस में दो सौ, सॉरी चार सौ, तीस पीस में नौ सौ, चालीस पीस में सोलह सौ, पचास पीस में पच्चीस सौ, साठ पीस में छत्तीस सौ, सत्तर केज पर उनचास सौ, अस्सी केज पर चौसठ सौ, ठीक, नब्बे केज पर, ठीक है, एट्टी वन नाइनटी, ठीक है, और हंड्रेड केज पर दस हजार। ठीक है, हो गया। ठीक, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका यूज करके हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद करने ही पड़ेगा। इसका इकाई है, एक से नौ तक का इकाई है और दस से सौ तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसका इकाई है क्या, अब कैसे निकालते हैं इस वर्ग को वो देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, टू फोर जीरो वन, ठीक, टू फोर जीरो वन एक क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है, वर्ग मूल निकालना है। ठीक, इसका बेस क्या है, 2400 है अप्रॉक्स। ठीक है, 2400 इन दोनों में से किसके बीच आता है, इधर किसके किसके बीच आता है, इधर कोई भी दोनों के बीच, तो 1600 से बड़ा है और 2500 से छोटा है, मतलब हमारा जो स्क्वायर है इसका वर्गमूल क्या करेगा, 40 के स्क्वायर से अधिक, ठीक है, लेकिन 50 के स्क्वायर से कम। ठीक, मतलब 40 से 50 के बीच में रहेगा, ठीक है, 40 के स्क्वायर से लेकिन 50 के स्क्वायर के बीच में रहेगा। ठीक, इतना हमको पता चल गया, लेकिन क्या रहेगा ये पता क्या नहीं है। अब देखते हैं इकाई का, इकाई का एक है तो इकाई का एक है, किसके किसके स्क्वायर में इकाई का निकला, या तो एक के या तो नौ के, ठीक है, इन दोनों की इकाई में एक आता है। अब देखिए 40 से 50 के बीच एक इकाई है और नौ
What?
चेंज करते हैं क्रॉस चेक, ठीक है। अब क्रॉस चेक करते हैं किसका 89 है, ठीक। नौ या 81 का एक मसिल आठ, नौ आठ में 72 का 80, ठीक है। फिर आठ में 72 का 2 मसिल 7, फिर आठ की 64, 64 और 7 कितना हुआ, ठीक है, 71। एक दो नौ सात, ठीक है, 791। ये अंक है, मतलब आपका आंसर क्या हुआ, 89 आया, ठीक है, 89। तो अंडर रूट 7921 का वैल्यू क्या आएगा, 89 आया, ठीक है, समझ आया, ठीक। ये होता है, एक बार आप कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। छोटा अंक ले लेते हैं 520, ठीक है, अंडर रूट 520। अब ये अंडर रूट 529 529 किसके किसके अंदर में आता है, ठीक है, 20 के स्क्वायर के अंदर और 30 के स्क्वायर के अंदर, ठीक है, 20 के स्क्वायर के अंदर मतलब ये 529 किससे बड़ा है, 400 से बड़ा है, लेकिन 900 से छोटा है ना, ठीक है, 400 से बड़ा लेकिन 900 से छोटा, 50 के लिए किसके स्क्वायर 20 के स्क्वायर और 900 के लिए 30 के स्क्वायर, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक क्या है, 9। 9 इकाई अंक किसके किसके लिए आता है, या तो 3 के लिए आता है या फिर 7 के लिए आता है, ठीक है। तो 20 से 30 के बीच में 7 और 3 इकाई अंक वाला कौन कौन सा अंक है, 23 के स्क्वायर है और 27 के स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन आता है, या तो नियर अबाउट फाइंड करना है, अगर आपसे नियर अबाउट वाला नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकाल के देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं 23 का 23 स्क्वायर मतलब 23 23, ठीक है, तो 3 दिया 9, 3 दुने 6, ठीक है, फिर 3 दुने 6 और 2 दुने 4 जोड़ दीजिए 9 6 12 का 2 हासिल 5, ठीक है, 529 आपका आंसर आ गया, ठीक, मतलब आपका जो क्या रहेगा अंडर रूट 529 किसके स्क्वायर है 23, ठीक है, आ गया, ठीक। ऐसा आपको वेरीफाई करना है, आप नियर अबाउट भी दे सकते थे, नियर अबाउट में क्या था 400 की ज्यादा करीब था 529, मतलब किसके करीब 400 की ज्यादा करीब कौन सा है 23 है, ना कि 27 किसके करीब है 900 के करीब है, ठीक है, ठीक। और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक, 7569 7569 किसके किसके प्रतीक आते हैं, इधर से देख लीजिए 7569 7569 64 छोटा बड़ा है लेकिन 81 और से छोटा, ठीक है, तो आपका लिमिट क्या प्राप्त हुआ 6400 से बड़ा लेकिन 8100 से छोटा, ठीक है, 6400 के लिए क्या लिमिट होता है 80 के स्क्वायर, 8100 के लिए 90 के स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको देखना है इकाई अंक हमारे क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है 9, 9 इकाई अंक किसके किसके लिए यूज होता है 3 के लिए और 7 के लिए, ठीक है। तो 80 से 90 के बीच में 3 और 7 इकाई अंक वाला कौन सा अंक है 81 स्क्वायर या फिर 87 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये है किसका, आपके पास दो वे
83 तो इंडिया 9 ठीक है, 3 8 24 फिर 8 24 का 4 हासिल 2 8 3 64 और 2 66 ठीक है, एड कर लीजिए 9 4 8 6 2 8 और 6 ये आंसर है क्या? ये नहीं है। अब इधर देखते हैं उसी को 87 37 49 का 9 हासिल 4 ठीक है, 4 8 56 ठीक और 4 60 और फिर 8 7 56 का 6 हासिल 5 ठीक है, फिर 8 8 64 64 69 69 ठीक है, ऐड कर दीजिए 9 6 9 6 15 का 5 हासिल 7 7 5 6 9 7 5 6 9 तो आपका वैल्यू क्या आया? अंडर रूट 7 5 6 9 का वैल्यू कितना आया? 87 87 ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन समझ आ गया 87 ठीक। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया अंडर रूट 172 प्लस रूट 2401 ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए, इसका मान निकालिए ठीक है। तो आपका पहला काम क्या है? अंदर वाले रूट का सॉल्व करना ठीक है। अंदर वाले रूट में क्या मिलेगा है? 2401 आपके टेबल से किसके किसके बीच आता है? 40 के स्क्वायर से 50 के स्क्वायर के बीच आता है, तो लिख लीजिए 1600 से 2500 के बीच आता है ना ठीक है। 1600 और 2500 किसके लिए है? 1600 है 40 के स्क्वायर के लिए और 2500 50 के स्क्वायर के लिए ठीक है। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है? इकाई का अंक देखना। इकाई में क्या है? एक। तो एक तो आपका ध्यान कहां रहना चाहिए? डायरेक्ट इकाई एक है तो एक या फिर 9 के लिए ठीक है। तो आपका 40 से 50 के बीच एक इकाई अंक और 9 इकाई अंक वाला कौन कौन सा नंबर है? या तो 49 के स्क्वायर है या फिर 49 के स्क्वायर है ठीक। आपको चाहिए कितने का? आपका 2401 आना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, नियर अबाउट कीजिए या फिर कैलकुलेशन कीजिए। नियर अबाउट में 2400 2500 के नियर अबाउट ज्यादा है तो आपका आंसर ये होना चाहिए। ये हम मान के चलते लेकिन कैलकुलेट करके देख लीजिए आप क्रॉस वेरिफिकेशन खुद के ठीक है। तो 41 है 41 करेंगे क्या आएगा? 41 का एक बार 41 ठीक है, तो 4 4 4 4 16 एक ठीक है, 4 4 8 6 और 1 आया क्या? 1600 के कैश करें क्या? ये नहीं है। अब दूसरा क्या है हमारा? 49 है 49 ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 9 ने एक कैश किया 1 हासिल 8 9 से 36 और 8 कितना? 44 ठीक है। फिर 4 ने 36 का 6 हासिल 3 4 तक 16 और 3 19 ऐड कर दीजिए 1 बेटा 10 का 0 हासिल 10 का 14 ठीक है हासिल 2 2401 मतलब अंडर रूट 2401 का वैल्यू कितना आया? 49 आया ठीक है। अब अंडर रूट 2401 के लिए तुम क्या करोगे? आपको क्वेश्चन के अनुसार 172 प्लस अंडर रूट 2401 है ना ठीक है ठीक। तो 172 प्लस 49 ठीक है, ऐड कर दो दोनों को। चलिए 172 ठीक है, ऐड कर दो दोनों को कितना आएगा? अंडर रूट 225 और आपको 1 से लेकर 30 तक का सबका स्क्वायर मालूम होना चाहिए ठीक है। अंडर रूट 225 किसके लिए यूज होता है? 15 के लिए ठीक है। तो अंडर रूट 225 का मान आया 15 तो इसका आंसर कितना है हमारा?
गया ठीक। कोई डाउट, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, अगले आगे का अगले क्लास में।